हमारे बीच में नंदलाल बघेल जी, जो इतिहासकार हैं और जिन्होंने किताबों को लिखा है और बाबा साहब के ऊपर काफ़ी शोध किया है, विचार किया है, हमारे बीच में है, बुजुर्ग हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर, आप अपना पूरा नाम बताएं और अपना परिचय दें। नंद कुमार बघेल जी, रायपुर छत्तीसगढ़। सर, अभी आपने कुछ किताबें लिखी हैं और किताब जो लिखी हैं उसके अंदर आपने क्या दर्शाना चाहते हैं, उसके अंदर क्या लिखा है आपने जो कि आपकी किताबों को लोग पढ़ें? मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि इस देश के मूल निवासियों का रक्षक रावण थे और वो आर्यों के खिलाफ थे और उन्होंने आर्यों के खिलाफ संघर्ष किया और स्त्रियों की रक्षा किया। हम अपने जन्मदिन के अवसर पर वो इराक ईरान दौरा करते थे और वहाँ की लूटी हुई औरतों को यहाँ लाते थे और उनको उनके लिए महिला आश्रम बनाया था। उसमें 12 योजन लंबा, 6 योजन चौड़ा, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है जी। और जिस दिन रावण वहाँ जाते थे अपने जन्मदिवस के अवसर पर, स्वर्ग के ताला तोड़ करके उन औरतों को लाते थे। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि वो औरतें और लड़के लड़कियाँ बाज़ार में बिकती थी और इसी कारण यूरोप का विकास हुआ, हमारे मजदूरों के कारण। उनको उनसे गुलामी की ज़िंदगी को रावण हमेशा अपने जन्मदिन के अवसर पर छुड़ा कर लाते थे और उसको मैंने अंकित किया है। नंदलाल बघेल जी, आपने रावण को एक महापुरुष बताया है, जो आर्य समाज के जो लोग हैं, जो आर्य समाज है वो इन्हें राक्षस बताता है। हाँ। क्या आप आज से कुछ पिछली घटना भूल गए कि जो गौरी लंकेश को जो साहित्यकार थी, जो बहुजन के लिए लिखती थी और जो अच्छा लिखती थी और स्पष्ट लिखती थी और सच्चाई लिखती थी, उनका मर्डर हो गया? क्या आप इस तरीके से जो आपने किताबें लिखी है, क्या आपको आगे पीछे का कोई ध्यान है? हाँ, मैं यदि मरूंगा तो ब्राह्मणों की गोली से मरूंगा और उस ढंग से मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ। आप कह रहे हैं कि जो मैं मरूंगा ब्राह्मणों, आपने ब्राह्मणों को ही क्यों टारगेट रखा है? इसलिए कि ब्राह्मण ही आर्य हैं और वो ही इस देश को गुलाम बना रखे हैं और ये पिछड़े वर्ग है उसके गुलाम हैं और उसके बिना उनकी मरिया हरनी और शादी ब्याह नहीं होता। और इसलिए वो स्वर्ग भेजने का काम करते हैं और वो लोग खुद दिल्ली और रायपुर का राज स्थापित करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कि एक साहित्यकार ने आज पूरा स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अगर मेरा मर्डर होगा तो मेरा ब्राह्मणों के द्वारा मर्डर होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना मेरा चैनल कह रहा है। इन्होंने अभी जो किताब लिखी है उसके अंदर रावण को एक महापुरुष बताया है और अगर हम ये कह दें कि उन्होंने जो बौद्ध थे और वो बौद्ध की जो विचारधारा थी उस पर चलते थे। हाँ, वो रावण बौद्ध विचारधारा के थे और उन्होंने कहा कि हम अपनी माँ के कोख से पैदा हुए हैं, ब्रह्मा के कोख से पैदा नहीं हुए हैं, ब्रह्मा के पैर से पैदा नहीं हुए हैं, अपनी माँ के कोख से पैदा हुए हैं। इसलिए बस्तर में कोया बटालियन चलता है। कोया बटालियन जी, वो रावण का दिया हुआ है जी। और रावण हमेशा अनारियों की रक्षा किए, रावण स्त्रियों की रक्षा किए, रावण बैल की रक्षा किए और खेती की रक्षा किए। और राम जो दुनिया का सबसे दुष्ट आदमी राम है, इसलिए राम दुष्ट है कि इस देश को पढ़ने नहीं दिया गया, इस देश को शस्त्र रखने नहीं दिया, इस देश को शिक्षा नहीं दिया, इस देश को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया और इसलिए राम दुष्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा दुष्ट राम है, ये मैंने सिद्ध किया है। और राक्षस जो शब्द है वो रक्षा करने वाले, इस देश का रक्षा करने वाले को राक्षस कहा गया और राक्षस का विकृत स्वरूप दिया गया है, जो अपनी परिवार की रक्षा करे, अपनी बैल की रक्षा करे, इस समाज की रक्षा करे, जो देश की रक्षा करे वो राक्षस है। और महान राक्षस रावण की जय होना चाहिए। बघेल साहब, आपने कितनी किताबें लिखी हैं? मैं अभी तक 3 किताब लिखा, एक घसीटेलाल साहू का स्वर्ग में पत्रकार वार्ता, स्वर्ग में किस ढंग से होता है उसको वर्णन किया है, दूसरा लिखा है कि रावण को मत मारो और तीसरी किताब जो है वो बाइबिल पहले या वेद पहले, बाइबिल पहले या वेद पहले। हाँ, तो बाइबिल से उतारा गया है वेद और सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बाइबिल से लिया गया है और ये लोग ढोंग रचते हैं कि लाखों साल पहले हमने वेद लिखा है, ये मैं सिद्ध कर सकता हूँ। ये जो केदारनाथ है ना, वो याकूब का रखेल संतान था और वो जब भगाया गया तब फिर यहाँ आके केदारनाथ धाम बनाया
उसका कोई इतिहास नहीं है आर्य ग्रंथों में, उसका इतिहास बाइबिल में है। यह आदमी जो शब्द है वो बाइबिल का है, आदम हव्वा से आदमी पैदा हुआ, वो ब्राह्मण लोग लाए इस देश में। तो जब मैं सारा अध्ययन किया तो मुझे लगा कि ब्राह्मण इस देश को लूट रहे हैं, इस देश को गुलाम बनाए हुए हैं, और ख़ास करके पिछड़ा वर्ग। मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि जो आम्बेडकरवादी हैं वो ब्राह्मणवाद से मुक्त हैं। जो पिछड़े वर्ग जो लोग हैं, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, और वो लोग गुलाम हैं ब्राह्मणों के। बघेल साहब, आप बहुत, आपकी उम्र हो गई है और मैं एक नौजवान हूँ, आपके सामने कम उम्र है। सर, ये ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण की हम बार बार बातें करते हैं, क्या ब्राह्मण ने कभी कहा है कि मैं आपके बच्चे का नाम रखने आ रहा हूँ, या ब्राह्मण ने कभी कहा है कि आप तैरवी करो, मैं तैरवी करवाऊँगा, या आप लोग जैसे ब्राह्मणवाद को दोषी ठहराते तो आप अपने आप को दोषी क्यों नहीं ठहराते? इसलिए कि ब्राह्मण लोग, जब कोई कुर्मी का बाप मर गया तो वो लोग पहले आए और बोले कि तुम इसका क्रियाक्रम करा डालो, अन्यथा प्रेत बनकर आएगा और तुम्हारे खेत को जलाएगा, खलिहान को जलाएगा, मकान को जलाएगा। तो वो लोग पहले नहीं माने, लेकिन बाद में 15 दिन के बाद वो गन्ने के खेत को जला दिया, इसके कपास के खेत को जला दिया और घर को आग लगा दिया। और फिर ब्राह्मण आके बोलता है, मैंने कहा था ना 2-4 हज़ार रुपये दे देते तो क्या होता, प्रेत, ये जो गरुड़ पुराण पिंडदान है वो प्रेत बाधा है। मैंने आप खुद ने आग लगा दी और कह दिया थी, हाँ, और इसलिए वो गुलाम बने जी। और ये देखो कि जो लोहार है वो उसके गुलाम नहीं है, बढ़ई है उसके गुलाम नहीं है, क्योंकि उसका जो खेत ये है, धंधा है, वो घर के अंदर है और वहाँ वो आक्रमण नहीं कर सकता। किसान के जो घर है उसका धंधा है वो खेत है, और खेत को आग लगा देते थे, और आग लगा करके फिर किसान लोग बोले कि भाई ठीक है, उसको पिंडदान वगैरह करा दो यार। अच्छा, ये मतलब ब्राह्मणवाद आपके जैसे बातों से पता लग रहा है कि ब्राह्मणवाद एक डर है, आम लोगों के अंदर एक भय है। राइट, आज भी कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणवाद से ग्रसित है, और राहुल गांधी चाहते हैं कि उस ब्राह्मणवाद से निपटें, अलग हो जाएं, और उसके कारण वो बूथ कमेटी बना रहे हैं। और हिंदुस्तान में अगर बूथ कमेटी सक्सेसफुल हो जाए तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे 2019 में, और ब्राह्मणवाद का हमेशा के लिए अंत होगा। और मैं आम्बेडकर वादियों से ये अपील करता हूँ कि राहुल गांधी को साथ दें, क्योंकि इस समय आपस में लड़ने की बात। बघेल साहब, एक बार आप पार्टी की बात कर रहे हैं तो मैं पार्टी राजनीति में नहीं जाना चाहूँगा कि ये जो आज का जो सम्मेलन है गीतों भरी शाम बाबा साहब के नाम, आइए और आगे चलते हैं, आगे का और दृश्य मैं आपको लेके चलता हूँ।